हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक पनीर की बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। मेरा वर्जन है ये, सब लोगों का डिफरेंट होता है। और वेजिटेरियंस के लिए तो पनीर एक बहुत बड़ी जन्नत जैसी चीज़ होती है। तो बिना देर किए हुए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पनीर की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए ये हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, ये हमारी सब्जियां हैं। ये हमने लिया है फाइनली चॉप्ड टमेटो, यानी टमाटर लिया है एकदम बारीक कटा हुआ। कैप्सिकम लिया है, इसके आप बड़े पीसेस भी रख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। पनीर के बड़े बड़े क्यूब्स लिए हैं हमने। यहाँ पर हमने प्याज लिया है, इसको भी एकदम बारीक काट लिया है। यहाँ पर हमने हरी मिर्च ली है, आपको तीखा ज़्यादा चाहिए तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ हमने अदरक लिया है, इसको हमने ग्रेट करा है। ये हमने यहाँ पर लहसुन लिया है, इसको भी हमने ग्रेट करा है। आपको चाहिए तो आप अदरक लहसुन को मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना सकते हैं। सब्जी बनाने के लिए बटर को यूज़ करेंगे, बटर और ऑयल को मिक्स कर देंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ बटर डाल दिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है उसे मिक्स कर दूंगी। दैट्स इट। ये हम इसमें थोड़ा जीरा जो है वो डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे मिर्च, अदरक और लहसुन का जो हमने ग्रेटेड रखे हैं। तो ये हमने मिर्च डाल दी है, अदरक और लहसुन। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा मिक्स करेंगे, जैसे ही हमें थोड़ा सा अरोमा आने लगेगा हम इसके अंदर हमारे प्याज डाल देंगे। थोड़ा अरोमा देने लगा है, कुक हो गया है, तो अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और मिक्स करते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। और उसके बाद हम इसे कैप्सिकम डालेंगे। हमारी अनियंस जो हैं अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसके अंदर कैप्सिकम डालेंगे। ये हम इसमें कैप्सिकम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। कैप्सिकम भी कुक हो गया है ऑलमोस्ट, तो नेक्स्ट होगा टमेटोज। तो अब हम इसमें जो हमारे कटे हुए टमेटोज थे वो ऐड कर देंगे। तो हमने इसमें टमेटोज ऐड कर दिए हैं, अब हम इसे उसे मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा कुक होने देंगे। ये सारा अच्छे से कुक होने लगा है, अब बारी है स्पाइसेस ऐड करने का। तो अब हम इसके अंदर धीरे धीरे हमारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हम इसमें नमक स्वाद अनुसार और इसे मिक्स कर देंगे। हमें थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसमें हम हल्का सा पानी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें थोड़ा गरम मसाला। हम ऐड करेंगे इसमें एक पनीर मसाला, ये ऑप्शनल है, मुझे डालना अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ी देर ढक के रख देंगे, इसको पकने देंगे और गैस को सिम कर देंगे। देखिए ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस कर देंगे। पहला है कैश्यू पाउडर, आप चाहिए तो कैश्यू को पीस कर उसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। मेरे पास कैश्यू पाउडर अवेलेबल था इसलिए मैं वो ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया है कैश्यू पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा खोया, आप चाहिए तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास खोया अवेलेबल है इसलिए मैं वो ऐड करूँगी। ये हमारा घर पे बनाया हुआ खोया है तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। आप लोग इसके अंदर थोड़ा मलाई भी ऐड कर सकते हो या दूध भी ऐड कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा क्रीमी पसंद हो तो। मुझे यही ठीक लगता है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमने काजू और खोया डाल दिया है, नहीं तो और डालेंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा। बट दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग जो आप लोग ऐड कर सकते हैं। हमारी ग्रेवी जो है वो ऑलमोस्ट पूरा कुक हो गई है, इसके अंदर अब हम पनीर के क्यूब्स ऐड कर देंगे। क्यूब्स हमने ऐड कर दिए हैं, अब हम इसको धीरे धीरे हिलाएंगे क्योंकि पनीर टूट सकता है, क्योंकि हमने इसको फ्राई नहीं किया है डालने से पहले, इसलिए हम इसको बहुत सॉफ्टली मिक्स करेंगे। इसमें हमने अब पनीर ऐड कर दिया है, अब इसमें हम हल्का सा वाटर डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, और इसके लिड को बंद कर देंगे ताकि थोड़ी देर में पनीर जो है मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी सब्जी फिर एकदम तैयार होगी। ये प्रॉपरली कुक हो गई है, अब हम गैस ऑफ